दोस्तों, दुनिया में चीन और पाकिस्तान जैसे कई एहसान फरामोश देश हैं, जिनके सीने पर भारत की तरक्की सांप बनकर लौटती है। ये देश भूल जाते हैं कि जब यूएन में स्थायी सीट इंडिया को मिलने वाली थी तो भारत ने ही उस पर चीन को बैठा दिया था। पाकिस्तान ये भी भूल जाता है कि जब उसके पास बारिश से बचने के लिए तिरपाल खरीदने तक के पैसे नहीं थे तो भारत ने ही 52 करोड़ रुपए खैरात में देकर उसकी मदद की थी। लेकिन दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी मुल्क है जो 100 साल पहले किया गया भारत का एहसान आज तक नहीं भूला है। उस मुल्क ने 71 की जंग में उस वक्त भारत का सुरक्षा कवच बनकर अमेरिका को पीछे धकेल दिया था, जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए हिंदुस्तान को रौंदने फौज लेकर निकल पड़ा था। भारत का वो दोस्त 99 की करगिल की जंग में भी भारत का संकट मोचक बनकर उभरा था। उस वक्त भी अमेरिका ने हिंदुस्तान पर पाबंदी लगा दी थी। दोस्तों, हमें यकीन है कि हमारे बेहद इंटेलिजेंट आप सब व्यूअर्स ने उस देश के बारे में गेस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी उस दोस्त का नाम हम भी आपको बता ही देते हैं। बिल्कुल सही समझे आप, वो देश है इसराइल। दोस्तों, हम आपसे आज इसराइल की चर्चा बेहद खास वजह से कर रहे हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी ने अब चीन का परमानेंट इलाज करने की प्लानिंग बना ली है। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है और मोदी के मन की बात उनका जिगरी इसराइल बखूबी जानता है। इसीलिए बीते काफी सालों से भारत की सेना में इसराइल की बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जंगी सामान ताबड़तोड़ खरीदे जा रहे हैं, ताकि दुश्मनों की कब्र खोदने में भारत को कोई दिक्कत ना आने पाए। हम इस वीडियो में आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे, लिहाजा आपको करना बस इतना है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, जिस तरह से पिछले 2 साल से भारत के खिलाफ चीन लगातार साजिशें रच रहा है, मोदी का जिगरी इसराइल बेहद तमतमाया हुआ है। वो भारत की सेना को अपना सुरक्षा कवच मुहैया करा रहा है। इसी कड़ी में इस साल ही भारत को इजरायली ब्रह्मास्त्र मिलेगा, जिसके वार से चीन का दम निकलना तय मानिए। इस इजरायली ब्रह्मास्त्र का नाम है हेरॉन मार्क 2 ड्रोन। इस ब्रह्मास्त्र को मोदी सबसे पहले तानेंगे लाल ड्रैगन पर। इस ब्रह्मास्त्र का सबसे पहला टारगेट चीन ही होगा, क्योंकि लद्दाख में भारत और चीन के बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना ने अपनी तैयारी को पुख्ता करना और तेज कर दिया है। भारत ने इसराइल से 4 हेरॉन मार्क 2 ड्रोन खरीदे हैं। भारत पहले से ही हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन ये 4 ड्रोन अपग्रेडेड वर्शन हैं और इनमें लेजर गाइडेड बम और मिसाइलें भी लगाई जाएंगी। हमारे सूत्र बताते हैं कि भारत इस ड्रोन को लद्दाख में सबसे पहले तैनात करेगा। दोस्तों, इससे पहले कि आपको हेरॉन मार्क 2 की कुछ एक खूबियां और उन हथियारों के बारे में बताएं जो इसराइल भारत को दे रहा है या दे चुका है, आप ये भी जान लीजिए कि पिछले 5 सालों में इसराइल और फ्रांस भारत को हथियार देने के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर आ गए हैं। मोदी की पसंद इसराइल बन गया है। हालांकि भारत ने स्वदेशी अभियान के तहत डिफेंस इम्पोर्ट काफी घटाया है, लेकिन फिर भी हथियारों के मामले में इसराइल से होने वाले इम्पोर्ट में 82% की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों, जिस हैरान की बात इस बार हो रही है, इजरायली मीडिया के मुताबिक हेरॉन मार्क 2 ड्रोन दुनिया की सबसे एडवांस टेक्निक से लैस हैं। ये रणनीतिक और कई तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम ड्रोन्स हैं। यही नहीं, अपने साथ ये ड्रोन्स कई तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम भी हैं। इस ड्रोन में रोटेक्स 915 IS इंजन लगे होते हैं, जो इसे 10,000 मीटर की ऊंचाई पर ले जाने में मदद करते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 140 नॉट्स प्रति घंटे है और ये ड्रोन 45 घंटे तक, यानी पूरे 2 दिन और 2 रात लगातार हवा में उड़ता रह सकता है। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन पहले बनाए गए हेरॉन UAV का अपग्रेडेड मॉडल है। हेरॉन UAE का इस्तेमाल इजरायली एयरफोर्स समेत दुनिया के 20 संगठन करते हैं। अब इसके सेंसर्स को बड़ा किया गया है और सुधारा गया है, जिससे ये बेहद खतरनाक हो गया है। इससे अब भारत बिना सीमा रेखा पार किए अपने दुश्मनों के ठिकानों की काफी दूर से ही टोह ले सकेगा। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन में एक सर्वर लगा होता है, जिससे
ये अपने अंदर बड़ी मात्रा में डेटा को इकट्ठा कर सकता है। इसका टेक ऑफ के समय मैक्सिमम वजन 1350 किलोग्राम है और इसकी गति भी पहले के मुकाबले बेहतर हो गई है। हेरॉन मार्क टू ड्रोन को काफी चौड़ा और मजबूत बॉडी का बनाया गया है। इससे ये इतना मजबूत हो गया है कि आसानी से पनडुब्बी की टोह लेने वाले सेनोबॉय मॉनिटरिंग सिस्टम्स को ले जा सकता है। साथ ही ये पानी के अंदर भी लक्ष्य का पता लगा सकता है। हेरॉन मार्क टू ड्रोन लंबी दूरी तक आसानी से नजर रखता है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी भी है। इसके साथ ही भारतीय सेना इसराइल की एक और बेहद खास तकनीक का इस्तेमाल करती है। इसकी वजह से भारतीय सैनिक निशानेबाजी में अचूक हो जाते हैं। ये तकनीक है स्मैश 2000। इस साइट सिस्टम को किसी भी छोटे हथियार पर माउंट किया जा सकता है। ये सिस्टम राइफल चलाने वाले निशानेबाज को सटीक निशाना लगाने की क्षमता प्रदान करता है। इतना ही नहीं, अगर टारगेट अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया हो तो भी ये उसे ट्रैक कर सकता है और जहन्नुम पहुंचाना सुनिश्चित करता है। ऑप्टिकल साइट सिस्टम से किसी भी छोटे ड्रोन्स को पल भर में मारकर गिराया जा सकता है। इजरायली कंपनी स्मार्ट शूटर ने जुलाई में स्मैश प्रोडक्ट से जुड़ी स्मैश हॉपर गन को डेवलप किया था। इस गन को लाइट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन यानी LRCWS के नाम से भी जाना जाता है। दावा किया जाता है कि राइफल में लगे इसी कंप्यूटराइज्ड साइट सिस्टम से ईरान के टॉप परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह की हत्या की गई थी। दोस्तों, इसराइल कहने को तो बस एक छोटा सा देश भर है, मगर हिंदुस्तान के इस सच्चे मित्र देश में बने हथियारों को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। या यूं कहें कि इन हथियारों को खरीदने के लिए दुनिया का हर देश लाइन में लगा रहता है। यही कारण है कि पीएम मोदी भारतीय सेना को इजरायली हथियारों से लैस कर रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का नामो निशान मिटा दिया जाए। इसराइल भारत को हवा, जमीन, पानी और पानी के अंदर दुश्मनों के परखच्चे उड़ाने वाले हथियार मुहैया करा रहा है। मिसाइल बनाने में भी इसराइल का कोई सानी नहीं है, इसीलिए मोदी ने इसराइल से करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो मिसाइलें ही खरीद डाली हैं, जो वक्त आने पर शर्त या तौर पर चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल की जाएंगी। इतना ही नहीं, भारत की सेना को इसराइल ने अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल्कन भी मुहैया कराया है। फाल्कन एयर वार्निंग सिस्टम की खासियत ये है कि ये हवा में किसी भी तरह के खतरे की चेतावनी तुरंत दे देता है। इसराइल भारत के साथ 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा के समझौते पिछले कुछ समय से कर चुका है। सर्च और एयरक्राफ्ट को इसराइल का सबसे बेहतरीन मानव रहित विमान माना जाता है। पिछले सालों में इसराइल ने भारत को ये विमान भी मुहैया कराया है। इसराइल ने भारत को डर्बी मिसाइलें भी उपलब्ध कराई हैं। हवा से हवा में मार करने वाली डर्बी मिसाइलों का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। इसराइल अपने सबसे खतरनाक हथियार स्पाइस 250ER को भी भारत को सौंप चुका है। इजरायली कंपनी राफेल स्पाइस बम बनाती है। इस नए स्पाइस बम की रेंज को बढ़ाकर 150 किलोमीटर कर दिया गया है। इसे बनाने वाली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स ने स्पाइस बम के नए वर्जन को फरवरी 2021 में एरो इंडिया के शो के दौरान शोकेस किया था। बताया जाता है कि भारतीय वायुसेना ने साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान इसी बम का प्रयोग किया था। आसान शब्दों में कहें तो भले ही स्पाइस बम को 2021 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया हो, लेकिन मोदी सरकार इससे बहुत पहले ही इसराइल से अपनी सेना में शामिल करा चुकी थी, वो भी बिना किसी को कानो कान इसकी भनक लगने दिए हुए। इसराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से 23 दिसंबर को एक ट्वीट किया गया था। इस ट्वीट में राफेल ने जानकारी दी थी कि उसने एक एशियाई देश के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना को सितंबर 2021 में ही मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यानी MRSAM मिल गया है। ये सिस्टम दुश्मनों के लड़ाकू विमान, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन को 70 किलोमीटर दूर से ही कबाड़ में तब्दील कर सकता है। MRSAM को एयर डिफेंस का गेम चेंजर कहा जाता है। इसके साथ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि भारत और इसराइल ने मिलकर MRSAM या बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया है।
इस सिस्टम में एडवांस रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ ही मोबाइल लॉन्चर्स भी शामिल हैं। बराक 8 को आयरन डोम का एडवांस वर्जन भी कहा जाता है। ये सिस्टम खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर रेंज में एक साथ कई टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसका नेवल वर्जन पहले ही कुछ भारतीय युद्धक जहाजों की क्षमता बढ़ा चुका है, लिहाजा भारतीय सेना ने भी एमआर सैम के लिए ऑर्डर कर दिया है। भारत और इसराइल ने पिछले 4 सालों में एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के लिए $3 अरब के अलग अलग समझौते किए हैं। दोस्तों, इसराइल आज ही भारत के साथ बढ़ चढ़ कर रक्षा समझौते नहीं कर रहा। पाकिस्तान के साथ भारत की सबसे ताजा जंग यानी करगिल वॉर में भी इसराइल ने हमारी मदद की थी। साल 1999 की गर्मियों में जिस समय करगिल वॉर शुरू हुई थी, उस समय भारत के पास न तो मोर्टार थे और न ही गोला बारूद। तब वो इसराइल ही था जो संकट मोचक की तरह भारत की मदद के लिए आगे आया था। इसराइल ने इंडियन आर्मी को तुरंत जरूरी गोला बारूद और मोर्टार मुहैया कराया। इसके अलावा इलाके का एरियल व्यू और नक्शे की जानकारी के लिए उसने भारत के साथ अपनी तकनीक शेयर की। अपने ड्रोन्स के लिए मशहूर इसराइल ने हेरॉन और सर्चर ड्रोन मुहैया कराया और इसकी वजह से सेना को पाकिस्तान के आतंकियों का पता लगाने में बेहद मदद मिली और भारत ने पाकिस्तान का हमला नाकाम कर दिया। इसराइल ने भारत की मदद ऐसे वक्त पर की थी जब इसराइल पर लगातार अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से दबाव डाला जा रहा था। ये देश इसराइल से लगातार अपील कर रहे थे कि वो भारत की मदद नहीं करें, लेकिन एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाते हुए इसराइल भारत के साथ खड़ा रहा। दोस्तों, भारत और इसराइल की इस दोस्ती पर आपकी क्या राय है? वैश्विक स्तर पर भारत की कूटनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? और चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की चूड़ी टाइट करने के लिए पीएम मोदी को और क्या करना चाहिए? आप उन तक हमारे जरिए सीधी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना भर है कि आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने मन की बात लिख डालें।